चंडीगढ़ विखे एन एस यू आई विद्यार्थियों के वलों मुख्यमंत्री की रिहायश तक घिराओ करन की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने सख्त प्रबंध किए हुए सन। घिराओ की कोशिश कर रहे एन एस यू आई विद्यार्थियों उत्ते पानी दियां बछारां का इस्तेमाल भी किया गया। इस तो अलावा कई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक बार फिर थानू दस दिए कि चंडीगढ़ विखे एन एस यू आई विद्यार्थियों के वलों मुख्यमंत्री की रिहायश का घिराओ करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने सख्त प्रबंधा जिहड़े ने प्रबंध इत्थे किए हुए सन। घिराओ की कोशिश कर रहे इन्हां एन एस यू आई विद्यार्थियों उत्थे पानी दियां बछारां का इस्तेमाल किया गया। इस तों इलावा कईआं नूं पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। करने का काम कर रहे हैं पंजाब के सरकार और साथ के साथ यहाँ के पंजाब के सरकार पंजाब के अकाली दल के सरकार ड्रग माफिया के साथ मिले जुले हैं। हम इसको विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उसका शिक्षा मंत्री खुद की डिग्री फेक है। उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। देश के छात्र प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। पंजाब के छात्र अकाली दल के सरकार से प्रकाश सिंह बादल की सरकार से जवाब मांगते हैं। आज ये शुरुआत है, पूरे पंजाब में हम इसको लेके प्रदर्शन करेंगे। एनएसयू वालों ने प्रोटेस्ट किया था, थोड़ी देर के लिए इन्होंने रोड को बंद करने की भी कोशिश की थी। प्रोटेस्ट ओवरऑल पीसफुल रहा है, कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है, बाद कार्रवाई रिलीज करेंगे। आज चंडीगढ़ में एनएसयू वालों ने प्रोटेस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ जो है एनएसयूआई के जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है उनके ऊपर झड़प हुई है। हालांकि पानी की बुछारे जो है शुरू कर दी है। एनएसयूआई के या नेशनल प्रेजेंट यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है और पानी की बुछारे जो है उनके ऊपर कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई है और पानी की बुछारे जो है वो उन्होंने यहाँ पर करी है। वो बादल सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोला है उन्होंने। बादल सरकार, उनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है उनका फर्जी डिग्री का मामला है और भी पंजाब में गुंडागर्दी और ड्रग्स के लेकर जो है एनएसयूआई कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ के 15 सेक्टर कांग्रेस भवन के बाहर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की बौछारें उनके ऊपर छोड़ी गई हैं और पुलिस जो है उनको आगे जाने से मना कर रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने जो है यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है यहाँ तैनात करने के बाद एनएसयूआई के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर रोककर उनको पानी की बौछारें यहाँ पर करी हैं और यहाँ पर माहौल जो है काफ़ी तनावपूर्ण लगा हुआ है। हालांकि भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है उनका, लेकिन कहना है कि हम यहाँ से जाके रहेंगे। यहाँ पर सीएम के कोठे के बाहर उन्होंने यहाँ पर घेराव करने की बात कही है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस उनको यहाँ से आगे नहीं जाने दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से आगे नहीं जाना, लेकिन हालाँकि आंसू गैस के गोले छोड़ने की भी तैयारी जो है पुलिस जो है वो करने को खड़ी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस जो है यहाँ पर पानी की बुछार यहाँ पर करी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको यहाँ से जो है आगे जाने ही पड़ेगा और उनको अपनी मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर जो है यहाँ पर घेराव जो है करना है, उनको मेमोरेंडम देना है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर नहीं जाने दे रही। हालाँकि माहौल जो है तनावपूर्ण है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ से जाके रहेंगे, सीएम बादल के घर के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि साफ तौर पे उनका साफ तौर पे आरोप है कि जिस तरह से पंजाब में इस समय हालात जो हैं उसके देखते हुए जो है यहाँ पर उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो है गुंडागर्दी या ड्रग एब्यूज़ के जो है उनको जो है ख़त्म किया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डीएनआई न्यूज़। चंडीगढ़ के तनाज के लोगों के घर नहीं टुटनगे मामले के हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी है। इस तो पहला चंडीगढ़ के सैक्टर 17 च डीसी दफ्तर की घेराबंदी करके रोस मुजहरा कर रहे तनाज कलोनी वसनीका आते पुलिस विचकार हुई झड़प दे चलते जिस विच दोवां धिरां दे करीब 2 दर्जन व्यक्ति जख्मी हुए सन, जिसनों वेखदियां होया कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्टे लगा दी है। तुहानू दस दईए कि प्रदर्शनकारी तनाज की कच्ची कलोनी च रहिंदे हन अते प्रशासन ने यह कलोनी 30 जून तक खाली करन दे लई कहा सी, पर यह लोग घरां दे बदले घरां दी मांग कर रहे हैं।
पंजाब सरकार ने उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाफ शिकंजा कस दिता है जिन्होंने सर्विस रिकॉर्ड दाखी है। ताज़ा जारी कीतियां हदायतों के सारे विभागों को कहा गया है कि उन्होंने सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सूची बनाई जाए जो पब्लिक डीलिंग वाले अहदे ते होंदे हुए भ्रष्ट कार्रवाइया शामिल हैं। विभागों को खास हदायत दी गई है कि जिन्होंने अधिकारियों ते कर्मचारियों का अक्स खराब है उन्होंने की तैनाती संवेदनशील पब्लिक डीलिंग वाली सीट ते ना की जाए। चौकसी विभाग के एक बुलारे ने दसा कि इस तो पहला भी इस संबंधी हदायत जारी की गई सन पर विभागों के मुख्य चौकसी अफसर वालों भ्रष्ट अधिकारियों की सूची नहीं बनाई गई जिसका गंभीर नोटिस लेंदे चौकसी विभाग ने नाखुशी प्रगटाई है। उन्होंने कहा कि मुख्य चौकसी अफसर की जिम्मेवारी है कि वह आपो अपने विभाग विचले दागी अधिकारियों ते कर्मचारियों की सूची तैयार करन अते उन्हां दी नियुक्ति अजिही थां कीती जावे जिथे ओ भ्रष्ट कार्रवाइया ना कर सकन। बुलारे ने अगे दसा है कि सारे विभागों नू ए निर्देश दिते गए हैं कि मुख चौकसी अधिकारी नू उक्त हदायतों की पालना यकीनी बनाउण लई कहा गया। इस तो पहला मुख सकत्तर वालों मुख चौकसी अधिकारियों नाल वख-वख समें ते कीतियां गईयां मीटिंगां विच फैसले लए गए हैं कि मुख चौकसी अधिकारी भ्रष्ट अफसर की सूची तैयार करके विभाग के समर्थ अधिकारी नू पेश करन अते उस सूची ते समर्थ अधिकारी वालों बनती कार्रवाई की जाए। पोलैंड तो अपने प्रेमी नू वापस ले जाण अमृतसर आई 30 साला लड़की ने अपने प्रेमी खिलाफ पुलिस नू शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता का कहना है कि अमृतसर दा हरपेज सिंह जो स्टूडेंट वीजे ते इंग्लैंड आया सी हरपेज अते उस दे प्रेम संबंध सन अते दोवां ने व्याह कराउण दा फैसला किया सी। हरपेज व्याह दे चांसे दे के उस नाल शारीरिक संबंध भी बनाउंदा रहा। उस दे गर्भवती होण तो बाद हरपेज वापस भारत आ गया अते किसे होर लड़की नाल व्याह करवा लिया। जदों इस बारे उसनू पता लगा तां ओह उसनू लभण लई भारत आ गया। हरपेज नू जदों उस दे भारत आउण दा पता लगा तां ओह उसनू अमृतसर लै आया अते इक होटल च ठहरा दिता। पीड़ता मुताबक उस 17 दिन अमृतसर के वख-वख होटलों च रही अते इत्थे भी हरपेज उस नाल शारीरिक संबंध बनाउंदा रहा। आखिर हुण उसने मजबूर होके पुलिस का सहारा लिया। अमृतसर विखे एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार के हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवार अनुसार उसनों अमित नाँ के एक व्यक्ति का फोन आया सी जिस तो बाद जो वह बाहर गली च गया तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार वालों मांग की जा रही है कि आरोपी नू जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उसका मोबाइल भी बरामद होया। दूजे पास पुलिस वालों छानबीन की जा रही है। उन्हों किसी अमित नाँ के मुंडे ने घरों बुलाया तो अपनी वाइफ ने दसा मैं अमित ने बुलाया मैं जा रहा कुछ देर अगे ही गया थोड़ी देर घर के लागे तो उन्होंने उत्थी बॉडी पई सी गोली चली हुई है। इतने आके अ सड़क पर देखा तो इतने शीशा टुटा सी वेरीफाई कर रहे हैं की गल हुई है। इन फोन आया किसी अमित नाँ के बंद का इन घरों सद के बहर खड़िया बहर जाके उतो जो वापसी तो दूजा भरा आया वेख्या इनू तो ये दिन की डैथ हो चुकी थी कारण लोकां च दहशत फैल गई है। इस भूचाल का केंद्र अज तक पता नहीं लग सके इसका असर पूरे कश्मीर च महसूस किया गया। दस दईए कि अजे दो दिन पहला ही 28 जून न डोडा जिले के कुछ हिस्सों च भूचाल के झटके महसूस किए गए सन। काबिले गौर है कि नेपाल च विनाशकारी भूचाल तो बाद इस झटकों का सिलसिला जारी है।
अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई तो शुरू हो रही है। इस यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अमरनाथ जाने वाले रस्ते से थां थां से पुलिस तैनात की गई है। श्रद्धालुओं के ठहरा के लिए पवित्र गुफा के बाहर कैंप लाने का काम तेजी नाल चल रहा है। गुफा के दोनों पास्यों बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। यात्रा के बेस कैंप बालटाल और पहलगाम च वी कैंप लग चुके हैं। इस साल ये यात्रा 49 दिन के लिए चलेगी और 29 अगस्त को रखड़ी से समाप्त होगी। इस यात्रा के लिए हुण तक करीब 2 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पूरा इलाका जो है अच्छी तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पे लगाई जा चुकी है और आने वाले समय में हमारा जो पूरा इलाका रहेगा जहाँ से यात्रा आती है, जवाहर टनल से अगर हम लेके चलें ऊपर पहलगाम तक का और इधर जो बालटल के लिए जो रास्ता जाता है नेशनल हाईवे का, इस पूरे इलाके में हम डबल टीयर सिक्योरिटी का सिस्टम रख रहे हैं। आर्मी ने अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया है जो कि एक ओवरऑल यात्रा में प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट सिक्योरिटी का काम करेगा और हम CAPF से के साथ मिलके पूरा यात्रा शांतिपूर्वक हो जाए ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ऐसे घूमने आया हूँ बट यात्रा का अरेंजमेंट देखकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है आने वाली यात्रा बड़ी सुविधाएक रहेगी, मंगलमय रहेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बहुत अच्छा लगा हमें कि यहाँ पे यात्री की सेवा इतनी हो रही है, आर्मी ने कितना कैप्चर किया हुआ है एरिया को। हम चाहते हैं कि हम भी आए जब यात्रा शुरू हो, क्योंकि हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। कोई भी ऐसा थ्रेट परसेप्शन मुझे नहीं लगता है, लेकिन हमने अपने तरीके से जो हमारा ग्रिड होता है सिक्योरिटी ग्रिड, उसमें 3 टायर इंतजाम होता है। उसमें पुलिस का इंतजाम रहता है, उसमें CRPF का इंतजाम रहता है, उसमें आर्मी का इंतजाम रहता है। चंडीगढ़ विखे पुलिस कर्मचारी के बेटे ने बिल्डिंग तो छलांग मार के आत्महत्या कर ली है। दसा जा रहा है कि यह लड़का मानसिक रूप के नाल परेशान सी अते इसका चंडीगढ़ के 32 सैक्टर के हस्पताल के विच इलाज चल रहा सी। हस्पताल की 5वीं मंजिल तो उसने छलांग लगा दी जिस कारण उसकी मौत हो गई। आनंदपुर साहिब के नेड़े पिंड नखियां कोल बने टोल प्लाजा का इलाके के लोगों के वलों विरोध किया जा रहा है। लोगों वलों ये टोल खत्म करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर लोगों ने चंडीगढ़ कौमी मार्ग से चक्का जाम करके सरकार और प्रशासन खिलाफ रोस मुजहरा किया है। ट्रैफिक जाम होने तो बाद हरकत आए प्रशासन के अधिकारी मौके पर पुजे। इस मौके आनंदपुर के SDM अमरजीत बैंस ने प्रदर्शनकारियों को इस मसले का हल करवाने का भरोसा दिता। उन्होंने संघर्ष कमेटी की PWU के अडिशनल चीफ सैकटरी 7 जुलाई को मीटिंग करवाने का भरोसा दिता है। धरना रखा गया हाईवे जाम करने लिए टोल टैक्स नखियां ते इहदे संबंध में अज असी इत्थे हजारां की गिणती में लोग एकत्रित होए ने, क्योंकि यह जो टोल टैक्स है नखियां वाला पंजाब का सब तो महंगा टोल टैक्स है और इहनू बनाउण विच तकरीबन 55 करोड़ रुपए का जिहड़ा कंपनी का खर्चा आया है जो कि कुल 37 किलोमीटर का एरिया है और इहनू बनाउण दे समय इहनू बनाउण दे बाद जदों इह बणिया सी उदों कांग्रेस की सरकार सी। इस सड़क तो जाने लई साडे गुरद्वारा साहिबान आनंदपुर साहब श्री तख्त श्री केसगढ़ साहब माता नैना देवी अते होर धार्मिक स्थान जिवें कि बाबा बालक नाथ अते होर हन वह जाने लई इको एक रस्ता है और इत्थे श्रद्धालुआं दी लुट सुट हुंदी जा रही है। सनी देओल की नवी फिल्म मोहल्ला 80 रिलीज तो पहला ही विवादा दे विच फस गई है। कुछ दिन पहला यूट्यूब ते आए इस फिल्म दे ट्रेलर च भगवान शिव दे रूप च एक कलाकार दे वलों गाला कड्ढन नूं लेके हिंदू जथेबंदियां च काफी रोस है। इस खिलाफ पंजाब महाकावड़ संघ दे पंजाब प्रधान दे वलों कीती शिकायत ते बरनाला पुलिस ने धार्मिक भावनावां
भड़काउण दे मामले च धारा 295A दे तहत फिल्म दे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ते हीरो सनी देओल समेत 8 व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। महागावड़ संघ दे प्रधान तरलोचन बांसल ने दसा कि फिल्म महला 80 दे ट्रेलर च एक बहरूपीए दे रूप च भगवान शिव नू एक मंगते दा रूप विच ते अपशब्द बोलदे दिखाया गया, जिस नाल हिंदुआं दीआं धार्मिक भावनावां नू ठेस पहुंची है। उन्हें कहा कि फिल्म दे निर्माता निर्देशक अते हीरो नू गिरफ्तार किया जाए ता जो अगे तो किसी भी धार्मिक शख्सियत दा कोई मजाक ना उड़ावे। ये जिहड़ी महला 80 फिल्म बनी है उहदे विच जिहड़े है शिवजी महाराज ने जिहड़े भगवान जी ने उन्होंने खिलाफ जिहड़ा है जिहड़ी भद्दी शब्दावली जिहड़ी है वरती गई है। सो उन्होंने कहा भी उन्होंने भावनावां नू जिहड़ी ठेस पहुंची आ, इस करके जिहड़े बंदे मतलब कि फिल्म जिन्होंने बनाई है वह उन्होंने खिलाफ़ केस रजिस्टर किया जाए। ये जी महला 80 नाम के पिक्चर का ट्रेलर रिलीज होया सी, उहदे विच हिंदू वर्ग दीआं भावनावां नू बहुत वड्डी ठेस पहुंची है। इस पिक्चर दे विच एक बहरूपीए नू भगवान शंकर दा रूप बना के 100-200 रुपये लैंदे होए ते मुख दे विच्चों गालियां उच्चारण करदे होए दिखाया गया, जदों कि असलीयत दे विच भगवान शंकर ने तो अपनी अर्धांगनी माँ पार्वती नू भी वेदां दे विच भी जां सीरीलां दे विच भी देवी कह के पुकारिया गया। ये महला 80 नौ दी पिक्चर दे विच भगवान शंकर दा सरूप बना के उहदे मुख दे विचों बहरूपीए ने गालां कढ़ियां। असीं भगवान शंकर दे खिलाफ़ जो महला 80 फिल्म दे विच कुछ 100-200 रुपया लै के जो भगवान दे सरूप बना के उन्हां वल्लों भगवान शंकर दे मूँह चों गालां कढ़वाईआं गईआं ने, उस दे खिलाफ़ असीं महाकावड़ संघ पंजाब वल्लों अज DC अते SSP साहब नूं मैमोरेंडम दित्ता सी, जिस दे संबंध विच उन्हां वल्लों कार्रवाई की गई ते सानूं पता चलिया कि FIR दर्ज उस प्रति हो चुकी है। मानसून के मद्देनज़र नगर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिता है। सतलुज दरिया के नाल लगते दर्जना पिंडां दे लोकां नूं भाखड़ा डैम तो पानी छड्डन दे संकेत दे चलदे सुचेत रहण की हिदायत दी गई है। मानसून जिथे आम लोगों नूं गर्मी तो राहत दवा के उन्हां दे चेहरे ते रौनक लैके आवेगा, पर सतलुज दे नाल लगते पिंडां दे लोकां च मीं नूं लैके खौफ पैदा हो गया है। दस्सिए कि नंगल आनंदपुर साहिब चों लंघदे सतलुज दरिया च हर साल बरसातों चो पानी का कहर टेंदा है, इसलिए प्रशासन ने सतलुज दरिया के नाल लगते 11 पिंडों के सरपंचों नाल मीटिंग करके उन्होंने सुचेत रहन के हुक्म दिते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PS ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਵਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਾ ਸਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। समझौता ब्लास्ट के मुलजम स्वामी असीमानंद नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी मां नूं मिलण की इजाजत दे दित्ती है। असीमानंद ने हाईकोर्ट विच अपील की सी कि उस दी मां बीमार चल रही है अते उस नूं अपनी मां नाल मिलण की इजाजत दित्ती जावे। काबले गौर है कि असीमानंद उत्ते हरियाणा दे पानीपत शहर नेड़े 18 फरवरी 2007 नूं समझौता एक्सप्रैस च विस्फोट करन दा दोष है। समझौता एक्सप्रैस दे दो डब्बियां दे विच बंब रखे गए सन जिस नाल 68 लोग मारे गए सन जिन्हां चों ज़्यादातर पाकिस्तानी सन। इस हादसे तो पहलां भी असीमानंद नूं हैदराबाद स्थित मक्का मस्जिद विस्फोट मामले च भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने स्वामी असीमानंद जी की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई थी कि उनकी माता जो हैं बीमार हैं और उनसे मिलने की परमिशन दिया जाए,
और उनसे जो है सरकारी उस पर उनको लेकर जाया जाए, तो नीचे पंचकूला कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, क्योंकि जिस केस में हमने दरख्वास्त लगाई है उसमें स्वामी असीमानंद की पहले ही जमानत हो रखी है, तो कोर्ट ने कहा था ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, तो उसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में केस डाला था, अपील डाली थी। अपील में जज साहब ने कहा है कि स्वामी असीमानंद जी को 10 दिन के लिए वहाँ जो है इंक्लूडिंग जर्नी टाइम कोलकाता लेकर जाया जाएगा। बेशक इस केस में अभी वो जमानत पर हैं पर बेल बॉन्ड नहीं भर सके, इसलिए स्टिल कोर्ट की कस्टडी में है, तो कोर्ट के पास पावर है इनको कस्टडी में भेजने की। छोटी उम्र के ज्यादातर बच्चे स्कूल जान तो बचते हैं, पर संगरूर दे कस्बा धूरी च एक अजिहा बच्चा भी है जो कदे भी स्कूल जान तो घबरांदा नहीं है। वंश गोयल नां दे इस बच्चे ने पिछले 9 साल च स्कूल तो एक भी छुट्टी नहीं की। संगरूर दे एक प्राइवेट स्कूल च पढ़न वाले इस विद्यार्थी ने पहली क्लास तो लैके 9वीं क्लास तक कदे भी स्कूल तो एक भी छुट्टी नहीं ली, जिस दे चलते उसका नाँ इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक च दर्ज हो गया। वंश ने दसा है कि वह शुरू च पढ़ाई च कमजोर होने कारण स्कूल तो छुट्टी नहीं लेंदा सी, चाहे घर जा रिश्तेदारी च कोई समागम होवे जा फिर वह खुद बीमार होवे, वह हर हाल च स्कूल जांदा सी। जदों उसनों इस गल का पता लगा कि बिना छुट्टी कीत्या लगातार स्कूल जाण नाल कोई रिकॉर्ड बन सकता है, तो उसने निश्चा किया कि वह कदे भी छुट्टी नहीं लवेगा। हुण वह 10वीं जमात च है तो अगे भी कदे छुट्टी नहीं लवेगा। जब मैं पहली कक्षा में था तो कई हमारे घर में फंक्शंस आए, पर लेकिन हमेशा मेरा मन यह कहता था कि मैं हमेशा स्कूल जाऊं, कभी एक भी कक्षा मिस ना करूं, और जो क्लास में लेक्चर होता था वो मेरी पढ़ाई पे नुकसान ना हो इसलिए वो मैं मिस नहीं करता था। मेरा इरादा है कि मैं मेडिकल लेकर डॉक्टर बनने की सोच रहा हूँ, और अभी भी मेरी मेहनत जारी है। मेरा बेटा भी बहुत खुश है, साथ में सारा परिवार रिश्तेदार सारे खुश हैं। इसने बहुत मेहनत करी है पहले दिन से, मतलब जब ये फर्स्ट क्लास में था तब से इसने सोच रखा था भी मैं कभी छुट्टी नहीं लूँगा स्कूल से, फुल अटेंडेंस रखूँगा, तो लगातार इसको हमने सपोर्ट किया और ये लगातार मतलब आज भी लगातार स्कूल जा रहा है। हम फेसबुक पे वो 141 इसके कांग्रेट्स आए हुए हैं, कमेंट्स आए हैं काफ़ी फेसबुक पे, और मतलब सारे हम बहुत खुश हैं इसके लिए। पंजाबी खबरों में फिलहाल इतना ही, सानू तो इजाजत, धन्यवाद। खबरों दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो, आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरों नाल जुड़े रहो दिन रात।